फतेहपुर जनपद के बिंदगी कस्बे में शेष नारायण मिश्रा ने लालोली चौराहे पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया था। दो साल तक नियमित रूप से किराया देते हुए वे अपनी दुकान भली भांति चला रहे थे। तभी कुछ महीने पहले हल्के फुल्के विवाद और कहासुनी को नजरअंदाज करते हुए शेष नारायण पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहे। मामला तब गंभीर हो गया जब दुकान को अपने बताने वाले कथित मालिक लक्ष्मीकांत मिश्रा व सुधांशु मिश्रा, साथ ही ब्रजेश मिश्रा व उनके साथियों ने जबरन बिना किसी लीगल नोटिस के रात में उनकी दुकान का ताला तोड़कर सारा सामान व अन्य चीजें बाहर फेंक दी व दुकान के अंदर रखा लगभग ₹18,000, साथ ही दुकान का फ्रिज, इन्वर्टर तथा अन्य सामान भी गायब कर दिया। आप बिंदगी कस्बे में पिछले कई सालों से संचालित संस्कृत विद्यालय जो अब लगभग बंद हो चुका है, जिस पर सरकारी तौर पर कानून का हक है, जिसकी जाँच के लिए निवर्तमान डीएम अंजनय सिंह ने जाँच के आदेश देकर संस्कृत विद्यालय को पुनः संचालित कराने की कवायद भी लगाई है। जब तक कार्य शुरू हो पाता, डीएम साहब का तबादला हो गया और संस्कृत विद्यालय कहीं न कहीं एक बार फिर अपने अस्तित्व को खोकर दलालों के फेर में फंसता चला गया। इस मामले की जानकारी देने हेतु प्रार्थी बिंदगी थाने गए तो वहां के थाना इंचार्ज, वहां मौजूद अफसरों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था और न ही उनकी रिपोर्ट वहां लिखी गई। साथ ही प्रशासन द्वारा उनको वहां से अपमानित करके भगा दिया गया। प्रार्थी ने बिना नोटिस दुकान खाली कराने के संबंध में कोर्ट में भी याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 26 अगस्त को लगी है। ऐसी स्थिति में दुकान किसी दूसरे को किराए में देना किस तरह का न्याय है? आखिर प्रशासन इन सारी चीजों से क्यों अपना पल्ला झाड़ रहा है? सवाल कई हैं और उनके जवाब ढूंढते खंगालते परेशान हो रहे बेबस और लाचार यहां लोग। जहां सरकारें हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करती हैं, वहीं इस तरह की अप्रिय घटना कहीं न कहीं सरकार की ढीली कानून व्यवस्था और लाचारी की कहानी बयां करती है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संदीप के साथ पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।